जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा। सत्य भंजक के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मालिका को नहीं मानते हैं, जिनको लगता है महापुरुष ने जो लिखा है मालिका में सब झूठ है, या जिनका कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो आपको वो सच दिखाएगा जो साइंस बोल रहा है, और वही सच महापुरुष ने 600 साल पहले लिखा था। ये वीडियो सत्यभंजा और मालिका रिसर्चर दीपक अग्रवाल जी के साथ है, जो कोलकाता में रात के लगभग 11 बजे शूट किया गया था। दीपक जी कहते हैं कि वो साइंस के छात्र हैं और सब कुछ लॉजिकली या साइंटिफिकली देखते हैं, ना कि कोई अंधविश्वास करते हैं। पिछले 2-3 साल पहले वो भविष्य मालिका का एक वीडियो देखे थे, और वो अपने रिसर्च जो वो किए थे उसके साथ भविष्य मालिका के वीडियो में जो जो वर्णन था वो सब उनका मैच कर गया था। तब से उनको भी विश्वास हो गया है कि महापुरुष ने जो लिखा है 600 साल पहले मालिका में वो सब सच है। वो पुलिन सर को बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिन सर ने गहरा रिसर्च किया है, बहुत सारे पोथियों को निकाल के 20-30 लगभग 30-40 साल का उनका रिसर्च है, और उस रिसर्च के माध्यम से उन्होंने एक बुक भी निकाला है जिसमें सब टाइमलाइन भी दिया हुआ है, तो उनका वो रिसर्च को वो सलाम करते हैं और बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने भविष्य मालिका के वीडियो में देखा था कि सूर्य पृथ्वी को नष्ट कर देगा, समुन्दर के पानी का जल प्रलय होगा, 7 दिन तक अंधेरा रहेगा, सब जानवर जंगल छोड़ के इंसानों की जगह चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और अग्नि वर्षा होगी। यह सब सुन के उनको बहुत अचंभित लगा था। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या ये एक क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन के लिए हो रहा है? नहीं, ये जो हो रहा है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो रहा है, इसलिए हो रहा है। पृथ्वी के अंदर एक मुख्य और कोर भाग है, और उस कोर भाग में एक चुंबकीय क्षेत्र है, और ये पृथ्वी पे रहने वाले सब प्राणियों का रक्षा करता है, जितना इकोसिस्टम है उसका संतुलन बनाए रखता है, उसका रक्षा करता है। सूरज से जो CME कोरोनल मास इजेक्शन, जो कि एक सूरज का चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसका एक महत्वपूर्ण निष्कर्षण और वेस्ट है, और उससे एक सोलर फ्लेयर जो सौर तूफान बोलते हैं हम, वो उत्पन्न होता है। ये जब उत्पन्न होता है तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो मैग्नेटिक फील्ड हम बोलते हैं, वो एक ढाल के जैसा बनकर पृथ्वी का रक्षा करता है। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस सौर तूफान को पृथ्वी के ऊपर और नीचे से हटा देता है, जिससे पृथ्वी सुरक्षित रहते हैं। वैज्ञानिक पिछले 150 साल से ऑब्जर्व और निष्कर्षण कर रहे हैं पृथ्वी के ज्योग्राफिकल, जो भूगोलिक उत्तर और दक्षिण, जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है, और मैग्नेटिक जो चुंबकीय नॉर्थ एंड साउथ पोल, उत्तर और दक्षिण पोल है। हमारे पृथ्वी जो कि एक गोल है, उसके ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ पोल बोलते हैं, और नीचे और बॉटम मोस्ट पार्ट को हम साउथ पोल कहते हैं, जो कि भूगोलिक उत्तर और दक्षिण पोल है। और पृथ्वी जो कि 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नेचुरल टिल्ट, जो प्राकृतिक झुकाव है, जिससे चुंबकीय उत्तर दक्षिण पोल, जो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल बना हुआ है, वो चुंबकीय पोल धीरे धीरे साइबेरिया के तरफ झुक रहा है, और पिछले कुछ सालों में ये झुकाव ज़्यादा तेजी से हो रहा है। अगर हम पिछले 150 साल का डेटा लेंगे, तब पहले 100 सालों में चुंबकीय शक्ति बस 5% ही कमज़ोर हुआ था, और 1950 से हर 10 साल में 5% से कमज़ोर हो रहा है, जो कि 10 गुना ज़्यादा है। और 2023 में वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अभी चुंबकीय शक्ति 25% कमज़ोर हो गया है। उसका ग्राफ पहले जो स्थिर था, जो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल था, वो अभी धीरे धीरे नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से गिर रहा है, जो कि वर्टिकली नीचे की तरफ आ रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जिस तेज़ी से चुंबकीय शक्ति कमज़ोर हो रहा है, 2025 तक बहुत
ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। पिछले 100 साल तक 5% और फिर हर 10 साल में 5% हो रहा है, लेकिन अभी बहुत चिंताजनक स्तर पर आ गया है। 100 साल के बाद 10 गुना बढ़ गया था, अभी वो 100 गुना बढ़ जाएगा। ये ना ही हमको कभी भी बताया गया है, ना ही ह्यूमन हिस्ट्री और मानव इतिहास में या ह्यूमन सिविलाइजेशन और मानव सभ्यता में हम लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि कभी ऐसा हुआ भी है। पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय शक्ति है, उसको हम वैन एलन बेल्ट कहते हैं। जब भी सौर तूफान या सोलर फ्लेयर्स होता है, ये वैन एलन बेल्ट एक ढाल के जैसा पृथ्वी का रक्षा करती है। जितने भी हमारे सैटेलाइट्स और उपग्रह हैं, वो सब वैन एलन बेल्ट के अंदर ही सुरक्षित घूमते हैं। जेम्स वैन एलन के नाम से ही वैन एलन रेडिएशन बेल्ट का नाम दिया गया था, उन्होंने ही इसका खोज किया था। वैन एलन बेल्ट बेसिकली एक जोन ऑफ एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, तो ऊर्जावन अवस्थित कणों का एक क्षेत्र है, और इसी का खोज ही वैन एलन रेडिएशन बेल्ट जो है उसका खोज जेम्स एलन वैन एलन ने किया था। और ये रेडिएशन बेल्ट जो है ये पृथ्वी के ऊपर के क्षेत्र में है, बेसिकली पृथ्वी को एक ढाल या कवच के जैसा ये कवर करता है। लेकिन अभी एक एनामोली और असामान्यता दिखाई दे रही है, जो 8 के आकार का बन रहा है, और वो ऑलरेडी बन चुका है और धीरे धीरे वो बड़ा भी हो रहा है, जिसको हम साउथ अटलांटिक एनामली और साउथ अटलांटिक डिफेक्ट कहते हैं। तो साउथ अटलांटिक एनामली SSA ये एक ऐसा एरिया और क्षेत्र है जहां पर वैन एलन रेडिएशन बेल्ट धरती के नज़दीक हो गया है। फिलहाल अभी 200 किलोमीटर के आसपास की दूरी है और बहुत जल्दी से और नज़दीकियाँ बढ़ रही है। और ये वैन एलन बेल्ट की असामान्यता नॉर्थ साउथ अमेरिका और साउथ अटलांटिक के ऊपर सबसे ज़्यादा है, और इससे क्या है, वो रेडिएशन बेल्ट जो है वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए और इसके कारण आजकल बहुत प्राकृतिक बदलाव भी हमको देखने को मिल रहे हैं। ये असामान्यता बहुत छोटा था, लेकिन अभी वो 8 के आकार का बन गया है और धीरे धीरे बड़ा भी हो रहा है। इसको हम ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे एक बड़ा सा बेलून है जिसमें हम लोगों ने एक होल कर दिया है कि यह छोटा सा छेद कर दिया है, और वो छेद धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इस वैन एलन रेडिएशन बेल्ट में भी असामान्यता जो हुआ है, जिससे बहुत सारे खतरनाक रेज और किरणें धरती पर घुस रहे हैं। जितने भी सैटेलाइट्स है वो अभी इस क्षेत्र के पास से नहीं गुजर रहे हैं। जैसे पहले बताया गया था, सैटेलाइट्स सब वैन एलन बेल्ट के अंदर ही सुरक्षित घूमते हैं, लेकिन अभी नॉर्थ साउथ अमेरिका और साउथ अटलांटिक क्षेत्र, जहाँ से ये असामान्यता हम लोग और एनामली हम देख रहे हैं, उससे अभी नहीं गुजरते हैं सैटेलाइट्स। जब भी कोई शोर तूफान होता है, तब इस साउथ अटलांटिक क्षेत्र से लीकेज होता है, जिससे टेम्परेचर और तापमान भी बहुत बढ़ जाते हैं। जल भाष वाटर वेपर करता है, और हम देख सकते हैं बारिश ऐसा होता है जैसे एक साल का बारिश एक दो दिन में हो जाता है, इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ बारिश होता है। और फ्लड्स देख सकते हैं इस बारिश के कारण, लैंडस्लाइड देख सकते हैं हम लोग इस बारिश के कारण। इसको हम क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन कहते हैं, जो कि सटीक नहीं है। ये सब साउथ अटलांटिक एनामली के कारण हो रहा है। साउथ अटलांटिक में जो वैन एलन बेल्ट की कमज़ोरी है, उसे सौर तूफान से आने वाली हानिकारक किरणें और पार्टिकल्स, कण किरणें जो रेज बोलते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सब धरती पर घुस जाते हैं और तापमान को बढ़ा देती है, जिससे साइक्लोन चक्रवात अचानक से आ जाती है या बारिश बहुत सारा हो जाती है, जिससे बाढ़ भूस्खलन हो रहे हैं। ये सब अभी बहुत छोटे आकार में हो रहे हैं। जैसे जैसे साउथ अटलांटिक एनोमली बड़ा होता जाएगा, वो 8 आकार और बड़ा होता जाएगा, जलवायु परिवर्तन और ज़्यादा होगा और प्राकृतिक आपदाएं भी ज़्यादा होती जाएंगी।
दीपक जी आगे कहते हैं कि और 2-3 सालों में ये एनोमली और असामान्यता और बढ़ता जाएगा और पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा परेशानी करेगी, लाइक वीकनेसेस और कमज़ोरी जो है वो भी बढ़ते जाएंगे, जो वैन एनल वेल्ट का जो कमज़ोरी है वो भी बढ़ता जाएगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि और एक प्रेडिक्शन भविष्यवाणी करते हैं कि अगर वो 8 आकार बीच में से जुड़ जाता है तो जुड़ के 2 भागों में वो बढ़ जाता है तब वो बाइपोलर हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड वो वाइब्रेट करने लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी वो 2 भागों में बढ़ जाएगा, वो बेसिकली तो इधर उधर वो बदलाव करता रहेगा जिससे धरती पर इधर उधर वाइब्रेशन जो कंपन सृष्टि करेगी और इसके कारण भूकंप सुनामी भी होगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पोल शिफ्ट हो जाएगा, जो पुलिन सर अपने वीडियो में बहुत बार कह चुके हैं, पोल शिफ्ट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इन दोनों का शिफ्ट होगा और फ्लिप जो पलट जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल हो जाएगा। ये पहले पोल शिफ्ट ये पहले भी हो चुका है बहुत बार, बट बहुत बड़े गैप में हुआ था, जैसे 12,000 साल पहले या 26,000 साल पहले। तो ये सॉयल और मिट्टी के परत से पता चलता है। ये पोल शिफ्ट या अर्थ फ्लिप ये इसलिए होगा क्योंकि पृथ्वी के जो चुंबकीय शक्ति है इतना कमज़ोर हो जाएगा, और ये इसलिए होगा कि वैन एनल बेल्ट में जो छेद है और जो एनामोली है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो चुंबकीय शक्ति है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है कि कमज़ोर हो जाएगा। जब ये स्थिति रहेगी और बड़ा कोई सौर तूफान और सोलर फ्लेयर आएगा होगा तब पोल शिफ्ट कर जाएगा। पोल शिफ्ट होने से पूरे भूगोल मतलब पूरा आपका स्ट्रक्चरल चेंज अर्थ का धरती का वो देखा जाएगा, बदल जाएगा पूरा। तो सूर्य पश्चिम में सूर्योदय होगा और पश्चिम में ही सूर्यास्त होगा। सूर्य अपने जगह में ही रहेगा, मगर पोल शिफ्ट के कारण ये सब होगा। ये बात मालिका में महापुरुष ने 600 साल पहले लिखा था और आज ये साइंस भी प्रूफ कर रहा है। और जो लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं वो गूगल में जाके ये सब सर्च करके देख सकते हैं। पोल शिफ्ट के बारे में जो हम लोग बोल रहे हैं कि सोलर फ्लेयर्स के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, ये सब आप लोग जाके देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं गूगल सर्च। पोल शिफ्ट होने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल शिफ्ट कर जाएंगे जिससे पृथ्वी का लोकेशन चेंज हो जाएगा, और ये सब चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोरी के लिए हो रहा है। आप ग्राफ में देख सकते हैं ईयर 2000 में और ईयर 2000 तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये वर्टिकल लाइन हो रहा है और ये और तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि उन्हें साइबेरिया में जो 23.5 डिग्री टिल्ट पृथ्वी का झुकाव था, तो साइबेरिया के वहाँ उनको वो टिल्ट ऑलमोस्ट 40 डिग्री के आसपास उन लोग को दिख रहा है, और ये झुकाव और जल्दी और ज़्यादा बढ़ेगा। और अनुमान है कि ये 2025 तक हो सकता है। दीपक जी आगे कहते हैं सूर्य का 11 साल का साइकिल होता है। सूर्य का नॉर्थ पोल और साउथ पोल हर 11 साल में बदलता रहता है, जिससे सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र भी हर 11 साल में बदलता रहता है। अभी सोलर साइकिल 25 चल रहा है। अप्रैल 2014 में सूर्य सोलर मैक्सिमम में था, जिसको एक्टिव सन कहते हैं, और दिसंबर 2019 में सूर्य सोलर मिनिमम में था, जिसको क्वाइट सन कहते हैं। और एक्टिव और क्वाइट का अंदाज़ा सोलर स्पॉट से किया जाता है। वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि 2025 में फिर से सोलर मैक्सिमम आ सकता है जब सूर्य बहुत एक्टिव रहेगा। सोलर साइकिल 24-22% ज़्यादा सोलर स्पॉट्स पर डे दिखने को मिला है सोलर साइकिल 25 में, जो अभी चल रहा है।
सनस्पॉट सूर्य के जो कालापन और जो ब्लैक स्पॉट्स होता है, जो काला धब्बा होता है सूर्य में देख सकते हैं, उसको सनस्पॉट्स कहते हैं। सनस्पॉट्स के पास जो मैग्नेटिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र है वो अचानक से विस्फोट होता है और बहुत ज़्यादा होता है, जिससे सौर तूफान होते रहते हैं। और जब सूर्य एक्टिव रहता है तब सोलर मैक्सिमम के समय सनस्पॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर हो रहे हैं और तेज़ी से कमज़ोरी बढ़ रहा है, और तब अगर बड़ा सौर तूफान आ जाता है तब पृथ्वी का पोल शिफ्ट हो जाएगा और भयंकर आपदाएं होगी, जैसे सुनामी, भूकंप, साइक्लोन और चक्रवात, जितने भी नेचुरल डिजास्टर और प्राकृतिक आपदाएं हैं सब होगी और बहुत बड़े आकार में होगी। मालिका में जो महापुरुष श्री अच्युतानंदन दास ने लिखा है मिंसनी योग के बारे में, जो आपदाएं जो होने वाली है बड़े आकार में और ज़्यादा आपदाएं जो आ रही है उनके बारे में उन्होंने लिखा है, और ये सब वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं। उनको तो मालिका के बारे में पता नहीं है, ना ही मिंसनी योग के बारे में पता है, लेकिन दोनों का फल, वैज्ञानिकों का जो प्रेडिक्शन है, जो महापुरुष ने प्रेडिक्शन दिया है, दोनों का प्रेडिक्शन सेम है और दोनों मिल भी रहे हैं। इससे पता चलता है तो महापुरुष ने जो 600 साल पहले लिखा था वो सब ठीक ही लिखा था, वो सब सच ही लिखा था, और वो सब साइंस अभी प्रूव भी कर रहा है। दीपक जी आगे कहते हैं कि एक यूट्यूब चैनल है सस्पिशियस ऑब्जर्वर, जो पिछले 4-5 साल से सौर तूफान, पोल शिफ्ट के बारे में बोल रहा है। वो हर रोज़ सूर्य के बारे में वीडियो करते हैं और पोस्ट भी करते हैं। सौर्य तूफान और सूर्य तूफान और सोलर फ्लेयर जब होता है तब सूर्य से धरती तक पहुंचने के लिए 2-3 दिन लगता है। उस वीडियो से हमें पता चलता है कि कितना जल्दी वो पृथ्वी तक पहुँचेगा, अगर वो पृथ्वी के तरफ आ रहा है, और कितने गति से आ रहे हैं, क्या क्या हानिकारक किरणें हैं, ये सब उन लोग पोस्ट करते हैं और उन लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और पोस्ट करते हैं। बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो सूर्य के अध्ययन और स्टडी कर रहे हैं और वो डेटा भी प्रोवाइड करते हैं। आज का ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, इसका दूसरा भाग भी आने वाला है और वो जल्दी आएगा। चलिए सब भगवान का नाम लेते हुए अपने जीवन को सार्थक करते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा।